हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेहा और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने जैम बॉटल का रीयूज़ काफ़ी देखा होगा, लेकिन जो जैम की छोटी वाली बॉटल होती है कंटेनर, उसका रीयूज़ आज मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत ही अमेजिंग रीयूज़ मैं करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो जैम का कंटेनर है छोटा वाला, 20 रुपीज़ का आता है किसान का जैम, तो इसे मैं पहले ओपन कर ले रही हूँ, आपको मैं दिखा रही हूँ। बड़ा बहुत ही ईजी ट्रिक है इसे ओपन करने का, और एकदम क्लीन हो जाता है ये, और बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसके पीछे। तो अभी पहले मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ। देखिए, बस इसको ऊपर से खींचते जाना है और ये अपने आप ही पूरा अच्छे से निकल जाएगा, और फिर बाद में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये हो गया, और इसके बाद देखिए मैंने बहुत सारा कलेक्ट करके रखा हुआ है इस तरीके से क्लीन करके, और वॉश कर लिया, अच्छे से सुखा लिया है। तो अब इसके बाद मैं इसका भी यूज़ करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या करना है कि एक पैन में आधा लीटर दूध लेना है, उसमें आधा कटोरी मैंने चीनी ऐड किया है इसमें, और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध अभी ठंडा है, गर्म नहीं है, तो इसको अच्छे से जब ये घुल जाएगा, बिल्कुल लम्स नहीं रहेगा, और उसको अच्छे से मिला के इसके बाद मैं इसको अब गैस पर रखूँगी। तो अब इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसके बाद इसको धीमे आँच पर मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते जाना है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, अब इसे छोड़ना नहीं है, इसको चलाते जाना है इस तरीके से, और जब ये एकदम गाढ़ा होने लगेगा गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगी। उसके बाद इसको मिक्सर में डाल के इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है, फिर वेनिला एसेंस ऐड करना है, जो कि मैंने कट कर दिया, मैंने सूट ही नहीं किया इसको। उसके बाद ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको पीस लिया था मिक्सर में अच्छे से। उसके बाद सभी कंटेनर में इसको ऐड कर देना है, जो भी मैंने वॉश करके रखा था किसान का जैम का कंटेनर, और उसके बाद इसको कैप लगा देंगे इसमें। इसको लगा के अच्छे से फ्रीजर में रख देंगे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। तो ये ठंडा हो गया है, और आप देख सकती हैं कितना अच्छा आइसक्रीम जम के तैयार हो गया है। गर्मी में अपने बच्चों को खिलाइए घर, और समर वेकेशन इन्जॉय कीजिए।